नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सात घोड़ों की पेंटिंग आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपने घर में दीवार पे किस दिशा में आपको लगाना चाहिए या ऑफिस में किस दिशा में लगाना चाहिए, जिससे आपका कारोबार या नौकरी पेशा आराम से चलता रहे और दिन दूना रात चौगुना उसमें तरक्की या वृद्धि होता रहे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जैसे कि सात घोड़ों की जो तस्वीर होती है उसे बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि सात रंग होता है, सात दिन होता है, बहुत सारी ऐसी शुभ चीज़ होती है जो सात से रिलेटेड होती है। मगर इसे वास्तु के हिसाब से सही दिशा में लगाने से ही अच्छा फल मिलता है। अगर सात घोड़ों की पेंटिंग को अगर आप अच्छे दिशा में लगाते हैं तभी आपको अच्छे परिणाम उसके मिलेंगे और अच्छी सफलता आपको मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि घोड़ों की ये पेंटिंग आपको किस दिशा में लगाना चाहिए और किस दिशा में लगाने से आपको कौन से परिणाम मिलते हैं, डिटेल इसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आप घर में सात घोड़ों के रथ पर सवार सूर्यदेव की पेंटिंग लगाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। आपको शुभ फल चाहिए तो आपको पूर्व दिशा में इस पेंटिंग को लगाएं। अपने घर के जो पूर्व दिशा है उस पूर्व दिशा में सात घोड़ों की पेंटिंग को लगाने से आपको शुभ परिणाम मिलेगा। यदि आप कार्य क्षेत्र में पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, अगर आपको कार्य क्षेत्र में पदोन्नति चाहिए, नौकरी पेशे में आपको प्रमोशन चाहिए, तो ऐसे में दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर घर की केवल उत्तर दिशा में ही लगाना शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा में घर की उत्तर दिशा में सात घोड़ों की पेंटिंग की तस्वीर लगाए तो आपके नौकरी पेशे में पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा। अगर जीवन में नाम यश और सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं तो घर की दक्षिण दिशा में दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में नाम यश और सम्मान की वृद्धि होती है, प्राप्ति होती है। इससे आपको जीवन में जल्दी तरक्की भी मिलेगी और चारों दिशाओं में आपका नाम और कारोबार काफ़ी तेज़ी से फैलेगा। तो दोस्तों, दक्षिण दिशा बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिशा में दौड़ते हुए घोड़े को जरूर लगाएं, इससे आपको जीवन में यश और तरक्की की आपके काम में तारीफ होगी। यदि आप दक्षिण दिशा में दौड़ते हुए घोड़ों की पेंटिंग नहीं लगा पा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार की खिड़की पर दौड़ते हुए घोड़े की मूर्ति रख दें। बस ध्यान रहे कि घोड़े का मुंह खिड़की से बाहर दिखना चाहिए, खिड़की से अंदर नहीं दिखना चाहिए। घोड़े का मुंह कभी भी अंदर की तरफ न रखें, हमेशा जो घोड़े का मुंह है वो खिड़की से बाहर की तरफ रखें, घोड़ा बाहर की तरफ अपना मुंह दिखता हुआ प्रतीत हो। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, बहुत से लोग कर्ज ले लेते हैं, उससे परेशान होते हैं, उनको छुटकारा ही नहीं मिलती है, तो आप पश्चिम दिशा में आर्टिफिशियल जो घोड़े होते हैं, घोड़े का जो जोड़ा होता है उसे रख दें। इससे घर घर में जो आपकी सुख समृद्धि है और लक्ष्मी माता हैं उनका हमेशा वास होगा, आपके खर्चे कम होंगे और कर्ज से जल्दी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सफ़ेद घोड़े सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। जहाँ भी यह तस्वीर लगाएंगे, ध्यान रखें कि उसमें जो घोड़े घोड़े हों वो सफ़ेद हों, मतलब सफ़ेद वाइट कलर के ही घोड़े आप लगाएं, डिफरेंट कलर के घोड़े न लगाएं। ब्लैक ब्लू लोग बहुत से कलर अवेलेबल हैं, उसको कभी भी न लगाएं। यह घर और ऑफिस की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। सात घोड़ों को लगाने जब भी आप मार्केट में इनकी पेंटिंग की तस्वीर खरीदने जाएं तब आप दो तीन चीज़ों का ध्यान रखें। पहली बात तो खरीदते समय जो घोड़ों का मुंह है ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि घोड़े एक ही डायरेक्शन में दौड़े, और सारे घोड़े जो घोड़ों का मुँह है वो प्रसन्नचित मुद्रा में रहे, मतलब कोई देखने से कोई घोड़ा ऐसा न हो कि वो नाराज़ हो या क्या नाम है उसको दुखी हो। और जो घोड़ों की पेंटिंग है उसकी पेंटिंग वाइट कलर की होनी चाहिए और एक लेन में सारे घोड़े दौड़ते हुए होने चाहिए। तो इस तरह की पेंटिंग ले आएँ और घोड़ा कहीं से कटा पिटा ना हो, मतलब जो घोड़े की पेंटिंग है उसकी कहीं पे भी चिन्हित ना हो, कहीं पे कटा पिटा ना हो या कुछ और उसमें ख़राबी ना हो। तो इस तरह से घोड़े ले आए
और उसको लगाएं, अपनी दीवार पे लगाएं, ऑफिस में भी लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ परिणाम आपको देगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।